दी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन भाई। ठीक है ना, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। ये क्या था? वो कहाँ पार्ट? ये हमारे लड़कों का सिस्टम। मैं हाथ नहीं मिलाता, मैं खाली जय श्री राम बोलता हूँ। A few minutes later. चलो जो भी है भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपकी आपकी जो गाड़ी है, वाह यार। चलो अमेजिंग। चलो मैं अकेला आप देख रहे हो, आप मेरे साथ आप लोग देख रहे हो, तो स्किनी गाड़ी की वीडियो को लाइक कर दो एक बार। मैं बैक नहीं जाऊंगा, ठीक है? मतलब आज से ये होगा कि जो भी वीडियो चलेगा ऐसे चलेगा, बस पॉज होगा, मैं रिएक्ट करूंगा, फिर नेक्स्ट होगा। मैं बैक नहीं जाऊंगा, मुझे सुनाई दे ना दे, बाहर में जाए। भाई क्या हाल चाल है, स्वागत है आपका मीम्स की दुनिया में। ये वीडियो सिर्फ फन के लिए है, तो कोई भी बंदा सीरियस मत लेना, लाइक और शेयर करना मत भूलना। वीडियो को शुरू करते हैं आप पसंदीदा इंट्रो के साथ। प्लीज अभी भी जो भी हो, जो भी नया देख रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एक बार। अगर सब्सक्राइब करोगे तो ऊपर आपका नाम आएगा ऐसे ब्लिंक करके एफओ पार्ट के अंदर, एंड आप एक लाइक करोगे तो लाइक तो नहीं दिखेगा, बट मुझे और पता चलेगा, मैं बता दूंगा आपने लाइक किया या नहीं किया, ठीक है? एंड सब्सक्राइब करने पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? आप कमेंट करो, मजा लो, बस चालू करते हैं आज का वीडियो। भाई बड़े दुखी इंसान ऐसे ही है, बस ऐसे टूटा हुआ है, कितनी दफा ज्यादा टूटा हुआ है। ये जो अब आपके साथ नहीं है, उससे देख लिया इंटरव्यू, तो क्या कहोगे उसको, क्या कहना चाहते हो? उसको यही कहना चाहूंगा कि यही जहाँ रहे खुश रहे, अल्लाह उसको खुश रखे, आबाद रखे। मेरा होम थिएटर पागल हो गया है भाई, ऑटोमेटिक कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, रुक जाओ। ऑडियो परफेक्ट है, सब कुछ सही है, चलो। आपको छोड़ा तो आपने उसको, उससे क्या बहाना लगाया था, क्या लेम एक्सक्यूज दिया था कि यार मैं अब आपके साथ आई डोंट वांट टू लिव विद एनी मोर विद यू? उसने सीधी बात जो कर दी, बस मुझे और कोई मिल गया। मैंने कहा ठीक है, खुश रहें। आपके मुंह पे आगे कहा जी, इसने कहा क्या रिएक्शन था? तो मैंने कहा जाएं खुश रहें, और मैंने क्या कहना इसको, ठीक है? बात सही, बात की कोशिश की, घर जाके रोए, वो भाई की बातें तनाई में रहने दे, अच्छी बात रोने का क्या बात हो गया भाई? मैम एक इधर आप कैसे बीच में आ गए? चलो मैं थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा मेरा जो वॉइस है ऐसे सुनूंगा, ठीक है? कैसे चल रहा है? माइक टेस्टिंग 3 2 1 0। तो साउंड बढ़िया चल रहा है, नॉइज नहीं आ रहा है। मैं दो लाइन का ले रही हूँ, दो लाइन का ले रही हूँ। चलो नहीं देगी, दिन तो नहीं देगी भाई, देने ही नहीं वाली भाई। पैकिंग नहीं सर, मैम यहाँ आप सजा के खड़े हुए हो, आप हटाओ क्योंकि मैम पीछे वाले को वेट हो रहा है, मुझे देने में दिक्कत आ रही है। ओ कितना डबल मीनिंग चल रहा है भाई यहाँ पे। यार मेरे को एक क्वेश्चन था, बहुत टाइम से मेरे को पूछना था आप दोनों से, आप दोनों इतने सिमिलर क्यों दिखते हो? पड़ोसी है, एक घर छोड़ के लाते हैं, एक गली, सॉरी। समझ गया, जो समझ गया वो समझदार, मैं तो समझदार नहीं हूँ, मैं मुझे नहीं समझ में आया। किसी को आया समझ में तो कमेंट में बताओ क्या समझ में आया आपको, ठीक है? इतना समझ में आके कितना समझ बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं कितना समझ आ रहे हैं उसमें। लड़कों की दोस्ती अलग लेवल की होती है, बाय गॉड। कभी रिग्रेट्स हुए लाइफ में? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई एक चीज करके ऐसा नहीं लगा कि यार दिल दुख गया, नहीं करनी चाहिए थी, क्यों कर दी मैंने फालतू। वो तो रोज वो तो लगता है। किसी को समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है मेरा, मतलब कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है? और कुछ नहीं। Love CSK fans. I think the loyalty that you guys have, not just for the cricket match and the CSK team, but also it was good. अच्छा CSK में football खेलना होता है क्या?
risk, it didn't win, but we are proud of it and we'll always be. Punjab did really great. Hey, guys, start cut. मैं चला CSGO को सपोर्ट करने, मैं तो भाई अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है यहाँ पे, जान दे देंगे इसके लिए। केकड़ा केकड़ा एक चीज अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही करूँ, मैं 10 बजे से 12 बजे तक गेम लाइव स्ट्रीम करूँ, फिर 12 से 2 बजे तक मीम रिव्यू, तो सोने से पहले अच्छा हंसी, एकदम फ्रेश माइंड, एक मैं सो जाऊँगा, फिर जल्दी से नींद आएगा, फिर सुबह उठ जाऊँगा, फिर काम पे चला जाऊँगा, फिर काम पे काम से आऊँगा, फिर स्ट्रीम करूँगा, ऐसा करके दिन चला जाएगा मेरा, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। 10 से 12 तक गेमिंग लाइव स्ट्रीम, फिर 12 से 2 बजे तक मीम रिव्यू, देन सोने जाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, पीछे वाले पापा मेरा कनाचा, ये आज छोरी मेरे घर पे बैठ जा, पढ़ाता पढ़ा के मुझे खड़ा चढ़ा दे, मुझे नहीं पता मैं कितने लैंग्वेज में बोलूं, तुझे समझ आए तो तू भी बोल, पीछे वाले पापा तेरा कनाचा। ओ बादशाह है नाम मेरा, थोड़ा मोटा सा दिखता हूँ पर काम मेरा। सारी उम्र मैं झुककर जबड़े भाई, किसी को अभी गर्मी लग रहा है भाई, मुझे तो लग रहा है, मैं थोड़ा फैन आगे आगे करके या फिर फैन के पावर थोड़ा बढ़ा के आता हूँ, ठीक है, बहुत गर्मी लग रहा है। रात का भी कितना टाइम हो रहा है, 1:30 बजे है ना, लेकिन 1:30 बजने के भी इतना गर्मी भाई, क्यों आज मैं पूरा एकदम ये प्यारे से भैया का मीठा जूस चखते ही मेरे शरीर के अंदर जितने भी रोंगटे थे सारे खड़े हो गए। इन भैया की मशीन है, अपनी खुद की मशीन से जूस निकालते हैं, थोड़ा थक भी जाता है क्योंकि बहुत सारा जूस निकलता है, दिन में करीब 600 बाल्टी अपना जूस निकाल देते हैं जो करीब 10,000 लीटर होता है। पानी पी लो, ठीक है, इसका सुन के इसका अंकल का जूस सभी सुना मैंने, नहीं अभी पानी पी नहीं सकता मैं, पूरा पानी निकल जाता है, पूरा पीसी पीसी बिक जाता मेरा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं। अच्छा एक चीज, हाँ फिर से सबको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जो भी नए हो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, अब सब्सक्राइब कर दो, ऊपर नोटिफिकेशन में आपका नाम लिख के आ जाएगा, मैं देख के बता दूंगा, थैंक यू सब फॉर सब्सक्राइबिंग, एंड अगर लाइक करना चाहते हो तो डबल टैप करो, या फिर ऊपर देखो 3 डॉट दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करो, फिर वहाँ पे जाके लाइक का बटन है उसको दबा दो, जल्दी से जल्दी जल्दी दबा दो, ठीक है, शुरू करते हैं। ये से टू नो वेल्थ वल्चर्स, क्या मैसेज है इस बोर्ड का? क्या से नो टू वेल्थ वल्चर्स, ठीक है, मुझे भी नहीं पता। अच्छा इस पर क्या लिखा हुआ? से नो टू वेल्थ, क्या है क्या है क्या, बैंगन बैंगन वल्चर्स को बैंगन बोलते हैं, सही है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके, क्या जो सब चीजों की जरूरत होती है, क्या जरूरत है, जैसे क्या? अच्छा ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को हटाना, क्या कांग्रेस का प्रोटेस्ट था ये, पर बीजेपी मुझे वाटर चाहिए था, तो ये एलिगेशन लगा रहे कि मैं इन लोगों की तरफ, मैं इनको स्टॉक कर रहा था, उनकी शक्ल है क्या स्टॉक करने तो फिर भी वो वहीं पड़ी रहेगी, अच्छी लगी तो फिर भी वो वहीं पर रहेगी, तो वहीं YouTube पे, बस उसका कमेंट सेक्शन ज्यादा कम हो जाएगा, नहीं लगी तो ज्यादा वो मिलियंस में चला जाएगा। क्या बात है, आपके दोस्त वगैरह आते हैं राय लेने के लिए, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो जस को फोन करते? मुझे वो इतना समझदार नहीं समझते। क्या बात कर रहे हो, हाँ क्या बात कर रहे हो, सच्ची टूटा हुआ साज हूं मैं, लेकिन मैं उतना समझदार भी नहीं हूँ, लेकिन मुझको बहुत समझदार समझते हैं बहुत लोग, पता नहीं क्यों भाई, 12वीं पास, बस 12वीं 12th, फिर भी मुझे बहुत समझदार समझते हैं लोग। अरे अनन्या
यार क्या सपना देखे यार रात में, तुमको बताना भूल गए थे क्या? अरे मत को यार, सिर्फ पैसा ही पैसा चारों तरफ। नहीं यार तुमको नहीं देखते, तुमको कैसे देखे, हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आज तो नहीं देगी भाई, पक्का है इसके बाद आज से नहीं देगी। खाना आज से, आज से खाना बंद करा ठीक है घर में। भैया क्या बेच रहे हो? समोसा है। समोसा समोसा खिलाते नहीं हो क्या? तो कितने रुपए समोसा है ये? 20 रुपए का तीन समोसा। कहाँ के रहने वाले भाई? बहुत महंगा है। कितना चाहिए आपको ये बताइए। सीधी बात नो बकवास, चल भाग गया से। प्योर फोनिया लड़कों के केस में होने वाली एक वॉइस की समस्या, सुनिए कैसी होती है आवाज। दीपेश क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? सब कह दिया कि तुम्हारा आवाज लड़की की तरह है, उसके बाद तुम्हारा आवाज लड़की का आवाज ऐसा होता है क्या? तुम्हारा बड़ा बूढ़ा, तेरी आवाज ऐसी होती। लड़की का जैसा होता है भाई, पतला क्यों नहीं रहता है। The next day. प्योर फोनिया आफ्टर 8 डेज वॉइस थेरेपी। स्क्रिप्ट कंप्लीट, लाइट कैमरा एक्शन। क्या चल रहा है? अच्छा, एक गई थप्पड़ मार के, दूसरी आई हाथ में कुछ दिया, फिर क्या हुआ? मतलब अरे दीदी बोलना क्या चाहते हो, क्या हो रहा है भाई? वॉशरूम की तरह मुंह देने पे।